मैंने रंगीन पूरी सब्जी की डिश अपने YouTube चैनल पर शेयर की। उसमें मुझे कई सारे कमेंट आए कि आप ठंडाई की रेसिपी भी बनाइए। तो पेश है ठंडाई की रेसिपी। उसके लिए हमने 10-12 पिस्ता, गुलाब की पंखुड़ियाँ, खसखस, इलायची, बादाम 10-12, काली मिर्च, और उसमें एक दालचीनी का है टुकड़ा, और ये है काजू, ये वाटरमेलन सीड्स, और ये सौंफ। इनको हम थोड़ा सा तवा गरम करेंगे। बस तवा बस गरम करना है, पूरा गरम नहीं करना है, ना ही रोस्ट करना है। इन सब चीज़ों को थोड़ा गरम हो जाए फिर हम डालेंगे काजू, बादाम, वाटरमेलन सीड्स। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। खसखस, इलायची, सौंफ, गुलाब की पंखुड़ी। बस थोड़ा गर्म हो जाए, इससे होगा ये कि ये अच्छे से पिस जाएंगे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस ये हो गया है। अब हम इसको डालेंगे मिक्सी के जार में। अब इसको मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। परफेक्ट, ऐसा ही पीसना है अपने को। हमारे और आपके किचन में होली के रंग खाने के संग। ठंडाई बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच पाउडर ठंडाई का, उसके बाद स्वाद अनुसार शक्कर, एक ग्लास दूध। अब इसको फिर से मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड करेंगे। केसर इसमें ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। देखिए ये बनके तैयार है, ठंडाई और ठंडाई पाउडर। ठंडाई पाउडर को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब मेहमान आए उनको खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। आप इसे खीर में, फिरनी में, कुल्फी बनाते समय यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं 10-15 दिनों के लिए,